रांची के सीपरी बाजार में हुए अग्निकांड में 10 घंटे बाद रेस्क्यू खत्म हुआ। अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई है। 10 घंटे के बाद बिल्डिंग में फंसे 3 लोगों के शवों को बाहर निकाला गया। लगभग 50 से ज्यादा गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। कई जिलों की फायर ब्रिगेड की टीम से मदद ली गई। जिलाधिकारी ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद का आश्वासन दिया गया है। वहीं 7 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। लगे की जो घटना हुई है किन कारणों से हुई है, बिल्डिंग में सफिशियंट फायर प्रिकॉशंस फायर सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो लिए गए कि नहीं, इसके बारे में जानना जरूरी है ताकि आगे है ये घटना रिपीट नहीं हो। तो इसके बारे में हमने डिप्टी कलेक्टर पंजाब मिश्रा है उनको जाँच किया किन कारणों से ऐसी आग लगी, ताकि भविष्य में हम आवश्यक प्रिकॉशन लेते हुए इस तरह की घटनाएँ नहीं हो उसके लिए आवश्यक। सर सरकार की तरफ कोई एजेंसी इनकी मदद के लिए क्या चाहिए, सरकार की तरफ कोई इनकी मदद एजेंसी दी जाएगी? सरकार के नियमों के तहत जो है मैक्सिमम मदद होगा हम करेंगे। और आप देख रहे हैं कि अभी रात के लगभग 1:45 बज रहे हैं, पूरा प्रशासन जो है मैं हूँ जो झांसी जनपद में जो सीपरी बाज़ार थाना क्षेत्र में जो मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान जिसमें और दुकान की थी जो फर्नीचर दुकान की थी जिसमें वो आग लगी थी, पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू एफर्ट्स फायर सर्विस और बाकी अन्य प्रशासन के साथ जब हम लोग किए थे तो शुरुआत में हम लोग 7 लोगों का रेस्क्यू किए थे। वो 7 लोगों का रेस्क्यू में एक